नमस्कार। बीसीएन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शहर में त्योहारों की धूम मची है, और बात की जाए इस महीने की तो अब गणेश उत्सव और ईद मिलाद के त्योहार के चलते पुलिस द्वारा कड़े बंदोबस्त की तैयारियां की जा रही हैं। उसी के मद्देनजर दिनांक 20 सितंबर को कन्हान पुलिस थाना अंतर्गत रूट मार्च निकाला गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में शांतता प्रस्थापित करने की दृष्टि से कन्हान पुलिस थाना अंतर्गत रूट मार्च का आयोजन किया गया था। यह रूट मार्च कन्हान पुलिस थाना क्षेत्र से निकला, जो कि उप विभागीय पुलिस अधिकारी कामटी पुंडलिक भटकर और सार्थक नेहते वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में इस वक्त पुलिस निरीक्षक यशवंत कदम, सह पुलिस निरीक्षक चेतन चौहान, सह पुलिस निरीक्षक राजेश जोशी, सह पुलिस निरीक्षक पराग फूलजेले, एम पोपानी सीमा बेदरे, सह पुलिस निरीक्षक शालिक राम महाजन सहित 22 पुलिस अधिकारी, 18 एसपीआरएफ अधिकारी, आरसीपी दल और 20 होमगार्ड के साथ कन्हान शहर अंतर्गत रूट मार्च निकालते हुए शांति की अपील की गई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष, बीसीएन न्यूज नागपुर। मराठा समाज को ओबीसी में शामिल ना किया जाए, बिहार की तर्ज पर जातिवाद सर्वे कराया जाए। हर जिले में ओबीसी छात्रों के लिए 2 छात्रावास की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ओबीसी छात्र संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र टोंगे, आज 12वें दिन हालात गंभीर हो गई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि रविंद्र टोंगे को जिला सामान्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से आज कहा गया कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 12 दिनों से रविंद्र टोंगे भूख हड़ताल पर थे। ओबीसी कार्यकर्ता विजय बालकी ने आज अपना अंत्याग आंदोलन शुरू कर दिया है, क्योंकि आज सुबह से उनकी हालत चिंताजनक हो गई है। हालांकि डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें आज जिला सामान्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार एक न्याय जारेंगे पाटिल के आंदोलन को और दूसरा न्याय ओबीसी के आंदोलन को दे रही है, यह आरोप ओबीसी सेवा संघ के जिलाध्यक्ष अनिल ढाके ने लगाया है। जब रविंद्र टोंगे को अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा था, तब ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्शाया। आमची भूमिका स्पष्ट आहे, आम्ही सरकारला विनंती केलेली होती, 12वा दिवस आहे, सरकार अजून आम्हाला चर्चेला बोलवत नाही, आणि त्यांना हॉस्पिटलाइज केलं तरी ते अन्नत्याग आंदोलन सुरूच राहील, आणि इथे पेंडलमध्ये विजय बल्की बसणार आहेत। आमची भूमिका स्पष्ट आहे, सरकार एकीकडे म्हणतं आम्हाला चर्चेला बोलवत नाही आणि आमचं आंदोलन उधळून लावण्याचा प्रकार सुरू आहे। आज तर एक नवीन गोष्ट मी पेपरामध्ये वाचतो आहे, भाजपचे देशाचे जेपी नड्डा असं म्हणतात की पहिले पंतप्रधान मोदीजी आहेत, पण माझा असा दावा आहे या देशामध्ये पहिले पंतप्रधान देवगड झालेले आहेत, आणि ते म्हणत आहेत आम्ही ओबीसीसाठी 85 तिकिटे आमदार खासदार दिलेले आहेत, मग ते काय करतात? इथे एक आमचा भूमिपुत्र ओबीसीचा शेतकऱ्याचा पुत्र बसलेला आहे, त्याच्यासाठी त्यांची का भूमिका आहे त्यांनी सांगावं ना, स्पष्ट करावी ना, ते स्पष्ट करत नाहीत। इथे बसलेला आम्ही कोणत्या भूमिका, ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी बसलेलो, त्यांनी स्पष्ट करावं। आज त्यांच्या रवींद्र टोंगे यांच्या उपोषणाचा 12 दिवस आहे। आमच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चंद्रपूर येथून रोज डॉक्टरांची टीम यांना चेक करायला येते, सकाळ दुपार संध्याकाळ, पण आज बाकीच्या दिवसापेक्षा आज यांची प्रकृती जास्त चिंताजनक आहे। त्यांचं बी पी फार कमी झालेलं आहे आणि त्यांचं शुगर पण लो झालेलं आहे, ते थोडे ड्राउझी आहे म्हणजे सुस्त आहे, हे लक्षणं थोडे चांगले नाही आहे, त्यामुळे प्रकृती खूप जास्त चिंताजनक असल्यामुळे त्यांना आम्ही इमिजिएटली आयसीयूमध्ये ॲडमिट करण्यासाठी पाठवत आहे। आता लगेच त्यांना आयसीयूमध्ये ॲडमिट करण्याकरता शिफारस करत आहे आणि आयसीयूमध्ये ॲडमिट करून मॉनिटर लावून त्यांना ट्रीटमेंट करावं लागेल। चंद्रपूरचे बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताईडे की रिपोर्ट। 72 ओबीसी छात्रावास आधार योजना ओबीसी छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति की मांगों को लेकर ओबीसी सेवा संघ चंद्रपुर द्वारा 21 सितंबर 2023 को गांधी चौक चंद्रपुर में तूफान बारिश में भीख मांगो आंदोलन कर शिंदे फडणवीस पवार सरकार की आंखें खोलने की पुरजोर कोशिश की। पिछले 6 वर्षों से ओबीसी छात्रों के लिए 72 छात्रावासों का मुद्दा सरकार द्वारा अब तक हल नहीं किया गया है। राज्य सरकार का वित्त विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग गंभीर नहीं है, इसके कारण ओबीसी छात्र छात्रावास और आधार योजना से वंचित है। कई छात्रों ने जिले में इस उम्मीद से दाखिला लिया है कि छात्रावास शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक छात्रावास शुरू नहीं हो सके हैं। हालांकि स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं, 3 महीने बीत चुके हैं। 7,200 छात्रों के लिए 72 ओबीसी छात्रावास, 21,600 छात्रों के लिए सावित्रीबाई फूले आधार योजना, 75 छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति योजना का निर्णय लिया गया है, फिर भी सरकार द्वारा उपरोक्त योजनाएं शुरू नहीं की गई हैं।
उपरोक्त योजनाओं को महाराष्ट्र सरकार के वित्त एवं बहुजन कल्याण विभाग द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। सरकार पैतरेबाजी कर ओबीसी समाज के साथ बड़े ही चालाकी से अन्याय कर रही है। 52% से अधिक मेहनतकश अन्नदाता समाज की सरकार को कोई परवाह नहीं है। ऐसी लापरवाही आज तक किसी सरकार ने नहीं की। सरकार के पास ओबीसी छात्रों के कल्याण के लिए धन नहीं है। इन सभी मामलों का विरोध करने के लिए भीख मांगो आंदोलन के जरिए चंद्रपुर की जनता से सरकार के खजाने में पैसे भरने के लिए भीख मांगी गई और प्राप्त हुई भीख बेशर्म सरकार तक पहुंचाई गई। ओबीसी सेवा संघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल ढाके ने सरकार को चेतावनी दी है, न्याय दो नहीं तो वे कड़ा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इस अवसर पर ओबीसी सेवा संघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल ढाके, जिला महासचिव एडवोकेट विलास माथनकर, भाविक येरगुड़े, प्रलय महशा खेत्री, अक्षय येरगुड़े, गोमती पाजभाई, भूषण फूसे उपस्थित थे। सरकार जानबूझकर ओबीसी छात्रों की न्याय मांगे नहीं मान रही है। सरकार के पास ओबीसी छात्र योजना के लिए कोई फंड नहीं है, उसे ओबीसी छात्रों की कोई परवाह नहीं है। अगर हमारी न्याय मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। ऐसी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा अनिल झा के जिला अध्यक्ष ओबीसी सेवा संघ चंद्रपुर ने दी है। ओबीसी 72 वसतिगृह सुरू करतो अशा प्रकारचे आश्वासन सरकार ने दिले, परंतु अजूनही ओबीसी वसतिगृह स्वाधार योजना सुरू झालेली नाही। सरकारकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजनेसाठी पैसा नाही आणि म्हणून आज आम्ही या भर पावसामध्ये गांधी चौक चंद्रपूर या ठिकाणी भीक मागून सत्याग्रह केलेला आहे। आज भर पावसामध्ये आम्ही अनेक दुकानदाराकडून पैसे गोळा केलेले आहे, भीक गोळा केलेली आहे। आता ही भीक आम्ही सरकारला पाठवणार आहे आणि म्हणून सरकारला आमचा इशारा आहे की ही भीक आम्ही तुम्हाला पाठवत आहे आणि याची दखल घेऊन आपण लवकरात लवकर ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह सुरू करा, अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू, या पलीकडे जाऊन आम्ही सरकारची अंत्ययात्रा करू, अशा प्रकारचा इशारा आम्ही या भीक मागू आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला देत आहोत। जय ओबीसी, जय संविधान, जय ओबीसी, जय संविधान। ओबीसी व्यवस्था सुरू झाल्याच पाहिजे। चंद्रपुर से बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताइडे की रिपोर्ट। परासिया में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का स्वागत करके आगामी यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर सांसद नकुलनाथ ने जन आक्रोश रैली के प्रदेश प्रभारी सुरेश पचौरी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित सभा में बोलते हुए सांसद नकुलनाथ ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये किस चीज की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। झूठी घोषणा की, बेरोजगारी की, किसानों को तंग करने की आज कांग्रेस पार्टी यह रैली इसलिए निकाल रही है ताकि आपके मुद्दे सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज पंचायत से लेकर मंत्रालय तक हर जगह भ्रष्टाचार है और प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। आप देख रहे हैं कि पिछले 5 महीनों से जब चुनाव सामने हैं तो शिवराज सिंह घोषणा करने की मशीन डबल स्पीड से चल रही है, उनकी झूठ बोलने की मशीन डबल स्पीड से चल रही है। शिवराज सिंह तो ऐसे हैं कि झूठ को भी शर्मा देते हैं। वह जानते हैं कि वह 3 महीने के मेहमान हैं, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो। अभी आप देख रहे हैं पिछले 5 महीनों में क्योंकि चुनाव पास में है, शिवराज जी की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। डबल स्पीड पर इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है और शिवराज सिंह जी तो ऐसे हैं कि झूठ को भी शर्मा देते हैं। शिवराज सिंह जी आज जगह जगह घूम रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ जानते हैं कि 3 महीने के मेहमान हैं, तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो। चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। 3 महीने में, 2 महीने में जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, ये केवल एक पार्टी का नहीं, ये हमारे छिंदवाड़ा जिले के भविष्य का और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल हिंदी बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।